अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। भाई आज की इस वीडियो में हमने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर 6 का पार्ट 2 डिस्कस करना है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप लोगों ने थीम को किस तरह से एडिट कर लेना है प्रॉपरली। ठीक है, जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा उनको पता होगा कि हमने व्हाट्सएप लगाया था पिछली वीडियो में, कैश ऑन डिलीवरी लगाई थी। ठीक है, वो जो बटन होता है इजी सेल का, और उसके अलावा हमने स्पीड को बूस्ट भी किया था। तो जो मेरी स्पीड थी स्टोर की वो 67% पे थी। अब आप लोगों को मैं अगर दिखाता हूँ जाकर, तो ये 70% तक आ चुकी है। ठीक है, तो इतना बूस्ट हुआ है, इतना फर्क पड़ गया उन एप्लीकेशन की मदद से। ठीक हो गया, तो ये वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन आए हैं कि भाई हमें अगर पेड थीम लगा लेते हैं तो हमें इसके नुकसान तो नहीं होगा, हमें ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। भाई मेरी बात सुनो, जब आप लोगों को जो चीज़ फ्री में मिलती है आप लोगों को उसकी कदर नहीं होती, आप लोगों को लगता है कि इस चीज़ का नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, पहली बात ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब आप जाते हैं ना किसी से स्टोर बनवाने के लिए, उसको आप पहली बात जाके ये कर देते हैं कि हमें पेड थीम लगा के देना। क्या वो प्ले स्टोर से जाके आप लोगों को जो इसका जो शॉपिफाई का वहाँ से बाय करके देता है थीम स्टोर में जाके $350 की? भाई मतलब करने वाले की बात करो, वो जो आपको लगा के देता है थीम, वो एक्सपोर्ट ही हुई होती है दूसरे स्टोर से। ठीक है, नल थीम कहते हैं इसे। और उसके अलावा अगर आप इसको लोकल में यूज़ करते हो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इंटरनेशनल में हो सकता है कि 20-30% की प्रॉब्लम आ जाए आपको, लोकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो ये पेड थीम है, 70% इसकी स्पीड है। जिन भाइयों ने अभी तक नहीं लिए वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फॉलो आदमी से कर लेना और मैसेज कर देना कि थीम चाहिए, वो मैं थीम दे दूंगा। ठीक है, तो इसको कस्टमाइज़ करते हैं जस्ट, और इसकी मैंने जस्ट कॉपी बना ली है। ठीक है, ताकि आप लोगों को डुप्लीकेट बना लिया इसका, ये देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसमें समझा सकूँ कि थीम को एडिट किस तरह करना है। तो लोगो बनाना मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, उसकी वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 10 मिनट की वीडियो, उसे देख लेना और अपने स्टोर का लोगो बना लेना। मुझे पता है अक्सर ने देखी होगी वीडियो, जिन भाइयों ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लोगो आ जाता है, हेडर एडिट करना है हमने, तो यहाँ पे लोगो आ जाता है। लोगो बनाना मैंने सिखाया हुआ है कि इस तरह का लोगो किस तरह बनाना है आपने, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 10 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जहाँ पे जितनी स्लाइडें ये ऊपर चल रही है फ्री शिपिंग वगैरह, यहाँ पे आपने ये लिखना है। ऑलरेडी लिखा होगा जिन भाइयों ने मतलब थीम वगैरह ली है, वो क्योंकि मैंने अपनी स्टोर से उतार के दिए, तो फ्री शिपिंग वगैरह ये सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑल प्रोडक्ट का लिंक लगाना है, अगर आप चाहें तो अगर सिंगल प्रोडक्ट का भी लिंक लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई इशू वाली बात इसमें नहीं है, तो आप लोग इसमें एक प्रोडक्ट का भी लगा सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट का अगर लिंक लगाना है तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का लिंक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत तो ना लगाएं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भी लिंक लगा दिया तो यहाँ पे एक कैरोसा बना आ जाएगा और वो जो आपका जो लिंक है वो लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है पॉपअप। अब पॉपअप क्या चीज़ है भाई? पॉपअप स्टिकी रिमाइंडर है, जबकि आपकी थीम को ओपन करता है तो उसे ऑप्शन मिलता है कि हमें सब्सक्राइब कर लो, कि हमारे नोटिफिकेशन जब कोई नई प्रोडक्ट लगाएंगे तुम्हें जाएंगे या तुम्हारी ईमेल पे आएंगे, तो वो उसको सब्सक्राइब करने की ऑप्शन आती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं करता हूँ तो ये सब्सक्राइब किया। तो इसमें अक्सर जो कस्टमर होते हैं वो इरिटेट भी होते हैं, जो क्लोज करते हैं, कोई बार बार आपके स्टोर पे आते हैं तो मतलब कि उनको इरिटेशन होती है, तो मेरे माने ये ऑप्शन ऑफ रहने दें। और अक्सर यहाँ पर ईमेल लगा के सब्सक्राइब भी बहुत कम ही करते हैं, तो अगर आप लोगों को करना है तो आप देख सकते हैं, मैं इसे ऑफ ही रहने देता होता हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं इसको ऑन करता, तो आप लोगों की मर्ज़ी है आपने करना है। तो उसके बाद आप लोगों ने हीरो ऑप्शनल स्लाइड शो में आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस चल रही हैं और टेक्स्ट चल रहा है। तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, नंबर 1 वाली स्लाइड को सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें जो ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ क्या लिखना है, अपनी प्रोडक्ट के रिलेट एक लाइन लिखनी है। ठीक है, वो मैंने चैट जीपीटी से बताया कि किस तरह लिखवानी है, वो लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो आपने लाइन लिखनी है यहाँ पर, और उसके अलावा एक सब हैडिंग लिखनी है, जैसे देख सकते हैं अपग्रेड यूअर स्किन केयर रूटीन। आप लोगों ने जौन सी प्रोडक्ट की इमेज पीछे लगानी है उसके रिलेट ही आगे लाइंस लिखनी है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी सी लाइंस वगैरह यहाँ पे लिखनी है। और जो हेडिंग स्टाइल है इसका, मतलब कि हेडिंग स्टाइल है उसका, वो आप लोगों ने 80 पे रहने देना है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट वगैरह लिखने के बाद यहाँ पे उस प्रोडक्ट का लिंक लगाना है। ठीक है, और बटन जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा यहाँ पे आपका खाली होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे शॉप नाउ लिख देना या बाय नाउ लिख देना, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉप नाउ लिखें या बाय नाउ लिखें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक हो गया, तो दूसरे पे भी आप लोगों ने अगर लिंक लगाना हुआ तो दूसरे पे भी आप प्रोडक्ट का वगैरह जो लिंक वगैरह होता है वो लगा सकते हैं, ये स्लाइड लिंक 2 का, अगर आप लोगों ने स्लाइड 2 एडिट करनी है तो। ठीक है, ये 2 स्लाइडें आ रही हैं यहाँ पे, अगर और भी स्लाइडें ऐड करनी है यहाँ पे ऐड स्लाइड करेंगे और आ जाएगी, तो कोई मुश्किल वाली इसमें बात नहीं है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे बस इमेजेस सेलेक्ट की हैं 2 प्रोडक्ट की अपने। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की करनी है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको मैं रिमूव करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, सेलेक्ट इमेज में जाना है, एक्सप्लोर इमेज नहीं कर देना, यहाँ पे एक्सप्लोर इमेज करोगे तो वो शॉपिफाई की अपनी हो जाएगी। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली होती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज ले लेता हूँ जो HDC हो,
तो फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं जैसे ही लगाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रोडक्ट की इमेज लगानी है यहाँ पे, ताकि बैकग्राउंड में प्रोडक्ट भी आए, ये देखें, ठीक है। तो बैकग्राउंड में आपने प्रोडक्ट की इमेज लगा देनी है और बकाया चीज़ों को नहीं छेड़ना। मैं स्क्रोल डाउन करता हूँ, जैसे जैसे मेरी सेटिंग है वीडियो साथ खोल लेना और एडिट कर लेना, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने सेटिंग की है वैसे ही कर लेना। और उसके अलावा आप लोगों ने फिर स्लाइड टू पे क्लिक करना है। स्लाइड टू पे आपने सब हैडिंग नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पे पीछे वो अपग्रेड योर स्किन केयर रूटीन, जैसे कि मैं आपने प्रोडक्ट के बारे में बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे आप दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं, मतलब कि दूसरी प्रोडक्ट की इमेज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आप उसकी सब हैडिंग लाजमी देंगे। अगर आप उसी प्रोडक्ट के रिलेट दूसरी स्लाइड टू तैयार कर रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे सब हैडिंग नहीं देनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हैडिंग देनी है आपने अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, इसका भी साइज 80 रहने देना है। और यहाँ पे टेक्स्ट भी नहीं देना आपने, जस्ट आपने ये बड़ी सारी हैडिंग देनी है और शॉप नाउ लिखना है। और उसके अलावा यह इमेजेस दो सेलेक्ट करनी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, और उसके अलावा इसका यही रहने देना है। तो इसके ऊपर फिर बाद में इसके ऊपर सेलेक्ट करना है आपने। जैसे इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन रहने देना है, ऑटो रहने देना है, और यहाँ पे बार्स करनी है। अगर बार्स का मतलब क्या है, अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये बार्स आ रही हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये बार्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि डॉट्स वगैरह आएँ तो ये डॉट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पेड थीम है, $350 इसकी प्राइस है, ठीक है। तो इसमें एक से एक बढ़ के ऑप्शन है, ठीक है, ये इसमें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट प्रोडक्ट ऐड करनी है। इसको आप क्लोज कर देते हैं, इतना आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद आप लोगों ने ये कस्टम कंटेंट है, अब ये क्या चीज़ है, कस्टम कंटेंट का आप लोगों ने ऐड कर लेना है जस्ट, ठीक है। आप लोगों के ऑलरेडी ऐड होगा, ये आप लोगों की मतलब कि नहीं है, इसमें मैंने ना कोडिंग करके ये लिखा हुआ है सारा कुछ, तो आप लोगों को ये ऑलरेडी ऐड होगा, आप लोगों ने इसकी तरफ नहीं देखना है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, ये ऐड रहने देना है, ये आप लोगों ने ऐड रहने देना है, इसको आप लोगों ने बंद वगैरह नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों को एक नीचे मतलब कि ये लाजी मत भी टेक्स्ट बॉक्स अगर होगा आप लोगों के, तो आप लोगों ने इसको बंद कर देना है, ठीक है, इसको नहीं रखना हमने। उसके बाद आप लोगों ने रिच टेक्स्ट का एक ऐड करना है, ठीक है, और उसको लोगों उसको भी आप लोगों ने नहीं छेड़ना, बस रिच टेक्स्ट का जो होता है वो आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। उसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, कोटिंग वगैरह की हुई है, तो आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना, तो वो थीम के अंदर ही है सारा कुछ। तो उसके बाद आप लोगों ने ये कलेक्शन लिस्ट इसको हाइड कर देना है। इसको हाइड करने का मकसद क्या है, भाई इसको हाइड करने का मकसद ये है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, सारा कुछ आ गया, नीचे देखो ये प्रोडक्ट आ गई है और नीचे मेरा वो जो ब्लॉग पोस्ट आ गई है, उसके अलावा ये देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गई, सब कुछ आ गया। तो कलेक्शन मेरी है ही नहीं है, क्योंकि कलेक्शन तो मैंने वन प्रोडक्ट स्टोर बनाया है। अगर आप लोगों की ज़्यादा कलेक्शन है तो आप लोगों ने जस्ट इसको ऑन करना है, इसको ऑन करते हैं जस्ट, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद आप लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन आ गई हैं। नंबर वन पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी कलेक्शन यहाँ पे देखें, चेंज कलेक्शन, आप लोगों ने कलेक्शन मैंने बनानी सिखाई हुई हैं आपको, जो कोर्स फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ अपनी कलेक्शन में जाके, तो ये देख सकते हो ये पहला रैंडम मिनी कार मतलब के बाथ ब्रश आ गया। अब मैं दूसरे पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दूसरी कलेक्शन आ जाएगी, तीसरे पे करता हूँ तो तीसरी आ जाएगी, इस तरह करके कलेक्शंस वगैरह हैं जो हमारी वो आ जाएंगी। तो मैंने एक ही प्रोडक्ट बनाया हुआ है इसलिए मैंने इसको हाइड किया हुआ है। अगर आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आप ज़्यादा सारी कलेक्शन बना के जितनी कलेक्शन है उनको कर लें, बकाया को आई बटन दबा के रिमूव कर देना, ठीक हो गया। तो इतना समझ आ गया। उसके अलावा आप लोगों ने ये फीडर प्रोडक्ट लाजमी ऐड करनी है, ठीक है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो आप लोगों ने फीडर प्रोडक्ट ऐड करना है और उसमें ऑप्शन कौन कौन से ऐड करने हैं ये भी बता देता हूँ। उसमें ऑप्शन आप लोगों ने ये करना है, इन्वेंट्री स्टेटस, फ्री शिपिंग, प्राइस, ये सारे ऑप्शन देख लो यहाँ पे, ये ऐड करने हैं। और ये ऐड कैसे करना है, यहाँ पे ऐड ब्लॉक पे जाना है। ऐड ब्लॉक पे जाने के बाद ये सारे ऑप्शन आपको ये स्लाइड लादा खुलेगी यहीं पर, अभी ये देख दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो ये मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, तो ये स्लाइड लादा खुलेगी यहाँ पर, अगर देखो ऐड ब्लॉक में जाता हूँ तो ये देखो ये स्लाइड खुलेगी, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे। ये मैंने लगाए हुए हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो आप लोगों ने ये ऑप्शन लगा देने तो आप लोगों को ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये फीडर प्रोडक्ट भी एडिट हो गई है। और फीडर प्रोडक्ट को कैसे करना है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जाके जस्ट आप लोगों ने अपनी फेमस प्रोडक्ट लगा देनी है। अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं फिर भी यहाँ पे वो प्रोडक्ट लगानी है जो आपकी फेमस है, मोस्ट फेमस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो लगा देनी है। तो भाई आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, तो मतलब कि मैं इस तरह ही आप लोगों को जो गिफ्ट वगैरह होते हैं वो थीम का भी कर दी एडिट, कभी न्यू थीम आई है वो दे दी, कभी शॉपिफाई की न्यू अपडेट आई है वो दे दी, ठीक है। इस तरह करके मैं आप लोगों को मतलब कि चीज़ें शॉपिफाई के रिलेट फ्राम करता रहूँगा। तो टिकटॉक भी मेरा चला गया आप लोगों को पता है, तो इस पर सपोर्ट लाजमी से कर देना और उस दोस्त के साथ ये चैनल लाजमी शेयर करना,
जिसको ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है और वो ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई चैनल वगैरह जिसमें कोई नॉलेज वगैरह हो, तो उसको लाजमी कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करना है। ऐड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड सेक्शन में जाओगे, ब्लॉग यहाँ पे आप लोगों ने ब्लॉग पोस्ट ऐड करना है। फिर उसके बाद चेंज में जाना है, यहाँ पे देखे चेंज ब्लॉग में मैं अगर जाता हूँ तो ये ब्लॉग पोस्ट मेरा जो हमने लिखी थी इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैंने सिखाया था चैट जीपीटी से किस तरह लिखना है, तो वो लिखना है ब्लॉग पोस्ट। जो लोग कोर्स फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये साफ समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने स्किप की है वीडियो और मतलब कि बस गुजारा लाइक किया, वो फिर इस तरह ही रहेंगे। हमने लास्ट पे ऐड भी चलानी है। ये फेसबुक पिक्सल का मैंने पेज बना लिया है, ठीक है, ये सारा पेज मैंने रेडी कर लिया, इसको मैंने पिक्सल के साथ ऐड करना है और मैंने बताया भी है सारा कुछ इसका। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो कमाएंगे भी और साथ कमाएंगे। जो लोग स्किप करके कंटेंट देखते भी नहीं हैं चले जाते हैं, वो फिर उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो पेड़ वाले के ही हथे चढ़ेंगे, तो जो पेड़ कोर्सेज शेयर करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, सारों को हाइड कर देना है। इमेज भी टेक्स्ट में आ जाना है, इमेज भी टेक्स्ट में आके सिंपल आपने अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लगानी है, ठीक है। चेंज आप लोगों ने अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट लगानी है, यहाँ पे सब हेडिंग में वही देना है। ये देखें सिलिकॉन मिनी बाथ ब्रश अपने प्रोडक्ट का नेम, और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी थोड़ी सी आप लोगों ने जो कहते हैं कि खूबी बयान कर देनी है, मतलब कि बता देना कि भाई ये प्रोडक्ट इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद गेट इट नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे लिंक लगा देना प्रोडक्ट का, और आप लोगों की ये इमेज भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टेस्टीमोनियल्स ऐड करने हैं। टेस्टीमोनियल ऑलरेडी ऐड होंगे, जिन लोगों ने थीम ली है वो सारा यार इस तरह ही है, सारा सेटिंग ऑलरेडी, आप लोगों को जस्ट चीज़ें ऐड करनी है। तो टेस्टीमोनियल में जाना है आप लोगों ने, जस्ट टेस्टीमोनियल में जाने के बाद आप लोगों ने एक टेस्टीमोनियल को सिलेक्ट करके मैं एडिट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सारे इस तरह ही एडिट करने हैं, यहाँ पे आप लोगों ने 5 स्टार करना है, ठीक है, आप देख सकते हैं 5 स्टार करना है। और उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखना है कि कस्टमर ने क्या कहा है। जैसे कि मैंने कह दिया कि कस्टमर ने मेरी प्रोडक्ट के बारे में कहा है हाईली रिकमेंडेड, ठीक है, ये कहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ ये भी लिख सकते हो आई गिव दिस प्रोडक्ट 5 स्टार, मतलब कुछ भी लिख सकते हो यार कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश में लिखना है लेकिन, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद ये नहीं है कि नाम अंग्रेज़ों के लिखे हुए हैं और यहाँ पे कर लोकल ड्रॉप शिपिंग रहे हो, ये नहीं करना। जो भाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे इंग्लिश नेम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नेम लिखा है अपनी अपनी तरफ से लिखा है मैंने कोई भी नेम, ठीक है, रैंडम नेम लिखा है। और आप लोगों ने यहाँ पे उसके बाद पाकिस्तान का कोई भी सिटी लिख देना है, ठीक है, अगर लोकल कर रहे हो, इंटरनेशनल कर रहे हो तो वहाँ का कोई लिख देना है। तो इस तरह करके आपका एक टेस्टीमोनियल है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आप जितने मर्ज़ी टेस्टीमोनियल ऐड कर सकते हैं और जितने मर्ज़ी चाहें यहाँ पे रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया, ये रिव्यूज़ वगैरह होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फुटर में आ जाना, इसमें कुछ भी नहीं रखा, फुटर प्रमोशन में कुछ भी नहीं होगा, मैंने थीम दी है जिनको उनको पता होगा। तो यहाँ पे जाते हैं नीचे और यहाँ पे आप लोगों ने मेन्यूज लगाने हैं। सबसे पहले नंबर पे लगाना है मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू किस तरह से लगाना है, मेगा मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आप लोगों ने मेन्यूज़ किस तरह से बनाने हैं। जिन्होंने बनाए होंगे वो आराम से इजीली यहाँ पे चेंज पे जाएंगे, चेंज मेन्यू पे जाएंगे, तो सबसे पहले मेगा मेन्यू लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा लिया मैंने। और दूसरे बाद में अबाउट अस लगाएंगे, अबाउट अस का मेन्यू। तीसरे नंबर पर लगाएंगे अबाउट आवर प्रोडक्ट का, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का, और साइन अप वाला जो होता है उसको हम मतलब कि नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐड ब्लॉक में जाएंगे और एक जो लोगो होता है वो ऑलरेडी होगा आपका, ठीक है, वो थीम में ऑलरेडी इंस्टॉल ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे अपने स्टोर का लोगो शो कराना है, ये थीम टोटली तरीके से यहाँ तक एडिट हो जाएगी। ये थीम देने का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों की जो मुश्किल हैं वो आसान हो जाएँ, ये ना हो कि आप लोग वो जो फ्री थीम होती है उसे एडिट करते फिरो और वो एडिट होती इतनी अच्छी भी नहीं लगती है, ठीक है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। तो आप लोगों ने फिर थीम सेटिंग में आ जाना है। थीम सेटिंग में आने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ, ये इस टेक्स्ट मतलब कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इनका जो कहते हैं स्टाइल वगैरह है वो है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पे जाता हूँ तो ये सारे टेक्स्ट के स्टाइल वगैरह आ जाएंगे। तो आप लोग इसमें कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लगा हुआ है वही रहने देना, वो परफेक्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर चेंज करने तो वो कर लेना, कलर्स वगैरह को ना छेड़ना क्योंकि कलर परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट है थीम की, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, उसको बड़ी मेहनत से सेट किया हुआ है पहले से। तो अगर चेंज करोगे तो फिर मतलब कि मसले वाली बात तो नहीं है, लेकिन अपने लिहाज से कर लेना, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने इस चीज़ों को नहीं छेड़ना है, बस एक यहाँ पे सोशल मीडिया में जाना है और सोशल मीडिया लिंक्स लगाने हैं अपने सारे, ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स लगाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फेविकन में जाना है और एक स्टोर का फेविकन बना लेना है, ठीक है। फेविकन किस तरह बनाते हैं, इसकी 10 मिनट की वीडियो में 5 मिनट की वीडियो होगी वो बना दूंगा, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैनवा पे जाके लिखो फेविकन इमेज, ठीक है, वो फेविकन इमेज के लिहाज से आप लोगों को वो जो जितनी उसकी विड्थ और हाइट होती है उस लिहाज से इमेज ओपन करके दे देगा। आप लोगों ने अपना ये लोगो डिज़ाइन करना है और उसके अलावा उसको सेव कर लेना है, यहाँ पर आके अपलोड कर देना है, सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। तो ये इतना हो गया फेविकन, उसके अलावा आप लोगों ने इसकी कोई चीज़ नहीं छेड़नी। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे और आप लोगों ने ये दो जो ऑप्शन इनको ऑन कर लेना है और आप लोगों की जो थीम है वो इस तरह का डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो
आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन हो जाएगा आपकी थीम का, ये देख सकते हैं। सारी सेटिंग मैंने अपनी खोल के दिखा दी है जो मेरे स्टोर की है, इस तरह कोई भी नहीं दिखाता, ठीक है, कोई भी नहीं दिखाता और ना किसी में इतनी हिम्मत है कि दिखा सके, ठीक है, कि अपने स्टोर की सेटिंग दिखाए। हर कोई इतना अंदर से जेलस होता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं हमारे तक ही रहे, हम मेरा तो नॉलेज बताने से बढ़ता है, ठीक है, मैं तो बताऊँगा। तो उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना फेसबुक का पेज है वो रेडी कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम पिक्सेल अटैच करेंगे, ठीक है, पिक्सेल अटैच हमने किस तरह करना है वो भी बताऊंगा, एड्स किस तरह चलानी है वो भी बताऊंगा। तो आज का लेक्चर हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला कौन सा लेक्चर था, ये देख सकते हैं पार्ट टू हमारा जो था वो फिनिश हो गया। अब हमने नेक्स्ट में फेसबुक पिक्सेल अटैच करना है, ठीक है, और फिर उसके अलावा एड्स रन करनी है, स्टोर हमारा टेस्टेड है और कैश ऑन डिलीवरी लगा के ऑर्डर लेंगे और कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि मुझे एड्स के बगैर ही कितने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह भी जो आ रहे हैं, ठीक है, तो स्टोर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।